नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बीते बुधवार को घर में अकेली महिला को देखकर कुछ हथियारबंद बदमाशों ने हथियार के दम पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना इलाके में बीते बुधवार को एक घर में सोने और चांदी के जेवरात और कुछ नकदी लेकर कुछ अज्ञात बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में चोरी, झपटमारी, लूटपाट जैसी आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन बदमाश आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रोहिणी जिले के प्रेमनगर थाना इलाके से सामने आया है, जहां बुधवार को रात करीब 9 बजे हथियार की नोक पर कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमनगर के स्टेशन ब्लॉक गली नंबर 16 में बुधवार की रात लगभग 9 बजे 3 लड़के आए, पानी के बहाने अकेली महिला को देखकर हथियार के दम पर घर में घुस गए और घर में रखे सोने और चांदी के जेवरात और कुछ नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि हादसे के वक्त वह घर में अकेली थी। बदमाश हथियार के दम पर घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दोबारा आने की धमकी भी दी। पीड़ित महिला ने बताया कि लूट की वारदात के बाद उसे घर में बंद करके चले गए। पीड़ित महिला ने 112 पर कॉल कर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल प्रेमनगर थाना पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मेरे को पिस्टल चाकू लगाया उन्होंने, मेरे को बोले निकाल जो भी है नहीं तेरे को मार देंगे यहाँ पे, बहुत पैसा है तेरे पास। मैं बोली सर मेरे पास नहीं है, आप जो है ले जाओ पर मेरे साथ ऐसे मत करो। मैंने आपका क्या कहा, कह रहा नहीं हम फिर आएंगे आप याद रखियो, बस ये कह के फिर मेरे बाहर की कुंडी लगाई चले गए थे। हाँ, उनके पास किसी तरीके के हथियार भी थे? हाँ जी, 2 चाकू 1 पिस्टल ले गए, कान के बालियां, अंगूठी, चैन, जेब थी मेरी उसमें 45-40 हजार रुपए थे, सोने की चूड़ी थी मेरी उसमें डब्बे में, और मेरे चैन था, मैं पैरे रहती थी आलदम में वो ले गए। तुम आज 1 लाख से ऊपर चूड़ी नहीं बनती आजकल। मोटा मोटी कितने तक की हुई है? मेरे 2-2.5 लाख रुपए का सामान। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना इलाके में लगातार हो रही इस तरह की आपराधिक घटनाओं से लोग दहशत के माहौल में हैं, साथ ही इस तरह का मामला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अब भले ही पुलिस ने संबंध में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस घटना के बाद पीड़ित महिला डर के साए में जी रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।